हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट नंबर 4 की बात करेंगे। 3 सेट कवर कर लिए, अपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 की अपन बात करेंगे। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। ध्यान दीजिए, कई प्रकार के सम्मेलन है, उसमें से अपने को बताना कि कौन सा सम्मेलन है जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, किसके प्रति, ध्यान दीजिएगा, स्थायी कार्बनिक प्रदूषण, प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द सस्टेनेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। अपने को ये बताना है कि जितने भी सस्टेनेबल ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं उससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए किस सम्मेलन के अंदर इसके प्रति यह रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन अपने सामने 4 दे रखे, तो यहाँ पर अपने पास आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो 1987 के अंदर हुआ था। और मॉन्ट्रियल किससे रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन क्षय का एक पदार्थ से रिलेटेड है। अगर अपन बात करें बॉन सम्मेलन की, 1979 का बॉन सम्मेलन, ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, या अपन इसको जलवायु परिवर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बॉन हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। और तीसरी बात करें अपन बासेल सम्मेलन, बासेल भी बोल सकते हैं इसको, 1989, ये किससे संबंधित है, देखिएगा अपना ये था, इसमें क्या था आंसर, तो ये स्टॉकहोम, लेकिन इसमें देखिएगा बासेल सम्मेलन, इसमें क्या हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के लिए, किससे संबंधित है, खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें आपको ध्यान में रखना है उन्हीं खतरनाक पदार्थों से संबंधित है, या जितने भी खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्र के बीच खतरनाक कचरे के आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था, और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए किया गया था। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से रिलेट करना है बेसल सम्मेलन को। और लास्ट जो 1998 का जो रोटरडैम सम्मेलन है, ये सम्मिलित है कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, कीटनाशक और जो केमिकल है इनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। तो ये स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से आपको 4 सम्मेलन देखने को मिलेंगे, मॉन्ट्रियल, बॉन, बासेल और रोटरडैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। इसमें अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे, तो अपने को पता ना कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा सी, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान से संबंधित है। किससे, मानव जनित जितनी भी गतिविधियाँ होते हैं उसके तहत कितने खतरे हो रहे हैं उनसे संबंधित है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसके बारे में आप देख सकते हो डिटेल्स में, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड, जलीय समझ सकते हो इसको, आर्द्रभूमि की सूची पर आर्द्रभूमि साइटों का एक रजिस्टर है, जहां पारिस्थितिकी के चरित्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होने की संभावना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक रिकॉर्ड है जिसमें आर्द्रभूमि लेनी है, वेटलैंड भूमि की सूची में एक रजिस्टर है जिसमें जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चेंज हो रहा है उसका इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और इसके अंदर देख सकते हो आप, आर्द्रभूमि को उजागर करने के लिए स्वैच्छिक तंत्र है जो तत्काल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि की सूची के हिस्से के रूप में बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है, और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहते हैं। कोयले की खान में काम करने से दिए गए ऑप्शन में से एक रोग हो जाता है, और ध्यान दीजिएगा उसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, तो आपको बताना कि वो रोग कौन सा है। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा क्लोमोग्नोसिस, क्लोमोग्नोसिस रोग है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विच अवार्ड इज गिवन टू दोज हु शो इनडोमिनेटेबल करेज इन द फील्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्य जीव संरक्षण की अगर आप बात करोगे, तो 1730 AD के अंदर बिश्नोई समाज थे, जिनके जो है जम्बोजी है, उनके जो देवता है, संत है, वो है जम्बोजी। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय से रिलेट है। उनमें क्या होता है, 1730 AD के अंदर राजस्थान के अंदर खेजड़ी के वृक्षों को इन्होंने बचाया था, खेजड़ी के वृक्षों को, पेड़ का नाम आपको ध्यान में रखना खेजड़ी, इनको काटने से बचाने के लिए उनके चारों तरफ ये लिपट गए थे, और अप्रोक्सीमेट 300 से ज़्यादा लोगों ने इसमें बलिदान दिया था। तो इसी को याद करते हुए ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, आपको ध्यान में रखना है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन अपने सामने 4 दे रखे हैं, अपने को बताना कि दाचीगाम कहाँ पे है, तो अपना आंसर हो जाएगा
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है, और इसका जो मुख्य जानवर है वह बारहसिंगा है। नाचिकाम का मुख्य हो गया ये बारहसिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। समताप मंडल होता है उसी के अंदर होता है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, स्ट्रेटोस्फेर स्कोपिक में, ठीक है, समताप मंडल में। तो इसको आप बोलोगे डॉब्सन यूनिट बी। और इसके बारे में और देख सकते हो, ओजोन परत की खोज 1993 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फेब्रे और हेनरी बिस्मोन ने की। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉब्सन ने किया। गुणों का अध्ययन किसने किया? जीएमबी डॉब्सन ने किया। इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और उन्हीं के नाप पर ओजोन परत की मोटाई डॉब्सन इकाई में नापी जाती है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के उत्सर्जक देशों की सूची किस सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है क्या? होता है। सीमेंट इंडस्ट्री से भी होता है? होता है। तो CO2 का जो उत्सर्जन है दोनों से होता है, तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है, जलवाष्प भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, मिथेन भी है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज की कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज का मतलब आप जानते हो कि सूर्य से जितने भी किरणें आती है वो पृथ्वी पर आती है, लेकिन पृथ्वी इनको वापस से ट्रांसमिट कर देती है, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसों का लेयर बन जाता है। वो लेयर क्या होता है? इन ये गैसें होती है, ग्रीन हाउस गैसेज का लेयर बन जाता है, और ये लेयर क्या करती है? वापस से इन किरणों को पृथ्वी पर देती है। तो इस तरीके से ये लेयर यहीं पर रह जाती है, यानी जो सूर्य से आने वाली किरणें वापस ट्रांसमिट होनी चाहिए, लेकिन ये पृथ्वी पर ही रह जाती है। इस तरीके से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है, जिसके आगे जाके परिणाम क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार होता है। तो ये जो लेयर होती है ये होती है ग्रीन हाउस गैसेज की, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ये सब कुछ होती है। अब इसमें से आपको बताना कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है जलवाष्प का, जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में होता है ये लगभग 36 से 72% इसको माना गया है। जलवाष्प होता है एक नंबर पे, ध्यान दीजिएगा सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। 2% पे होता है, दो नंबर पे होता है CO2, ये होता है 9 से 36%। 3 नंबर पे होता है मिथेन, सीक्वेंस याद रखिएगा, 3 नंबर पे होता है मिथेन, और 4 नंबर पे होता है ओजोन। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे जलवाष्प, 2 नंबर पे CO2, 3 नंबर पे मिथेन, 4 नंबर पे ओजोन। इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज पाई जाती है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है कार्टोजेना प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन अपने को दे रखे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संशोधित जीवित जीव LMO, मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित है कार्टोजेना प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा अपने पास कार्टोजेना प्रोटोकॉल, संशोधित जीवित जीव मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देख सकते हो इसके बारे में, कार्टोजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में ड्राफ्ट कब किया गया? इसको 2000 के अंदर किया गया, साइन किया गया था इसको 2000 के अंदर, 15 मई 2000। और इसकी लोकेशन मॉन्ट्रियल कनाडा, और बाद में इसको ओरिजिनली शेड्यूल्ड किया जा गया कार्टेजेना कोलम्बिया के अंदर। इफेक्टिव कब से हुआ ये? 2003 से हुआ। रेड डेटा बुक किन खतरों में संबंधित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फंगी। तो रेड डेटा बुक है जिसमें जितने भी लुप्त प्राय जानवर हैं उनकी लिस्ट को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जानवर हैं जो लुप्त होने वाले हैं, जिनको खतरे के निशान पे है, उनको लिखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये तीनों। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? वाट आर द सिम्टम्स ऑफ बींग डिक्लेयर्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहला है, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अपना पास आंसर आएगा दोनों। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है, ओजोन से रिलेटेड है। 1979 का बॉन सम्मेलन अभी हम भी हमने देखा था, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से सही है। 1989 का बेसल सम्मेलन, ये ट्रांसबाउंड्री आंदोलन, ये ट्रांसबाउंड्री आंदोलन से संबंधित नहीं था, पारगमन हैंडलिंग रहने वाले संशोधित जीव इनसे संबंधित नहीं था, ठीक है, ये एप्सिड से रिलेटेड था। 1998 का रोटरडेम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी सही था, यानी ये तीनों सही थे, और ये जो बेसल वाला है ये इससे संबंधित नहीं था। आंसर हो जाएगा अपने पास सी, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट परिस्थिति की विशेषज्ञ पैनल WGEEP, हु इज द चेयरमैन ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। इसके चेयरमैन अपने को बताना, तो इसके चेयरमैन है माधव गाडगिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधव गाडगिल।
ठीक है। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जिसकी ये फुल फॉर्म, जिसके इसके अध्यक्ष माधव गाडगिल के बाद गाडगिल आयोग के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसको गाडगिल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था जिसे भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। आयोग ने 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। विशेषज्ञ पैनल ने इस तरह के कार्यों को एक सेट के माध्यम से परियोजना का रूप किया। इसमें तीन दिए थे परियोजनाएं, पश्चिम घाट के बारे में आसानी से उपलब्ध जानकारियों का संकलन, पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार पर भू स्थानिक डेटाबेस का विकास, और तीसरा था सरकारी निकाय और सिविल सोसाइटी समूह के साथ परामर्श करना। तो इसमें आपको एक डेट याद रखनी है, कब दी थी, 31 अगस्त 2011 को गाडगिल आयोग इसके चेयरमैन थे वो, अभी हमने देखा माधव गाडगिल। शेर की पूंछ वाला मक्का किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है, नीलगिरी, दियांग, नौकरेक। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पे है, नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु के अंदर। दियांग दिबांग ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। नौकरेक कहाँ पे है, नौकरेक है मेघालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से लाया गया, इसका क्या नाम है। अमेरिका से लाए गए उस पौधे का नाम बताना है जिसकी परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे के रूप में किया जाता है, तो उसका नाम है जलकुंभी। ध्यान दीजिएगा जलकुंभी, यहाँ पे सी अपना आंसर बनेगा जलकुंभी। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा बी के साथ में, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड का, काई, धुआं, ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे आपका पास आंसर हो जाएगा काई। काई को आप नीला वो हरी ग्रीन शैवाल भी बोल सकते हो, ठीक है, नील हरी शैवाल भी इसको बोल सकते हो, एज ए ग्रीन कलर का ही शैवाल टाइप से होता है, तो इसको आप काई। पानी के फ्रन अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनाबेना के बीच संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर फ्रन अजोला, वाटर फ्रन अजोला एंड साइनोबैक्टीरियम अनाबेना, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, तो इन दोनों के बीच में सहजीवी रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। निम्न में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, मनार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे आपके पास आंसर जाएगा खंबात की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कॉम्बे ये इसका नहीं है, किसका, मूंगा चट्टान। तो मूंगा चट्टान कहाँ कहाँ पे है, भारत के अंदर चार जगह पे है, मनार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा है यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा चारों चीज़ें। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा पर कैपिटा पूछा गया आपसे, यानी प्रति व्यक्ति पूछा गया है। यदि प्रति व्यक्ति की बात करो तो आपका कतर सबसे ज़्यादा है, यदि आपसे कुल पूछ लें तो कुल कौन है सबसे ज़्यादा, कौन प्रदूषित, कौन उत्पन्न करता है, चाइना, चाइना आपका आंसर आएगा, और पर कैपिटा पूछे तो कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस हमने देखी थी जलवाष्प भी होते हैं, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको अपन CO बोलते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में शामिल नहीं है, एक बहुत ही बड़ा प्रदूषक है लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, फोटोकेमिकल्स धुंध में हमेशा ओजोन उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है, बिल्कुल ये भी सही है। ये टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, और जैसे अपने हीमोग्लोबिन में मिल जाता है ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है, और इससे क्या होता है डेथ की भी संभावना हो जाती है। आगे लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, बिल्कुल लीड भी लेड है जो ऑटोमोबाइल से निकलता है, यानी ये भी सही है, यानी कुल मिला के यहाँ पे सभी के सभी सही है। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा गलत है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा कोई सा भी गलत नहीं है। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पे अपने पास आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा, और 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान की स्थापना की। इकोटोन में जो प्रजातियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है, तो उनको अपन कहते हैं इकोटोन के अंदर जो प्रजाति होती है इनको बोलते हैं एज प्रजातियाँ, आंसर हो जाएगा अपने पास ए। दो बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली प्रजातियाँ एज प्रजातियाँ कहलाती हैं। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में स्थित है, केवलादेह, मानस, दुधवा, जिम कॉर्बेट। तो साइबेरिया ये केवलादेह नेशनल पार्क में स्थित है, और केवलादेह कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान के अंदर कहाँ पे, भरतपुर के अंदर ये स्थित है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित कर रखा है, केवलादेह राजस्थान के अंदर। बाकी अगर अपन बात करें मानस,
मानस असम के अंदर है, दुधवा यूपी के अंदर है, और जो जिम कॉर्बेट है वह उत्तराखंड के अंदर है, और ये केवलादेव हो गया राजस्थान के अंदर। तो ये था अपना सेट नंबर 4। इसी के साथ अपन 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले पहले अपन 1000 क्वेश्चंस को कवर कर लें। ठीक है, जरूर आपको 1000 क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़ी सी परेशानी है, कवर करेंगे कैसे भी करके अपन, लेकिन आपको कोशिश जारी रहेगी कि 1000 क्वेश्चन अपन प्रोवाइड करें। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।